अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? माशाल्लाह, आज का ब्लॉग सुबह से आज स्टार्ट होगा, बिकॉज मैंने जो कल का ब्लॉग है वो आपके लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा बनाई हूँ, तो इंशाल्लाह आई होप सो आपको कहीं ना कहीं उसमें हेल्प मिलेगी। और आज बड़े इत्मीनान से संडे वाला दिन मना रही हूँ सुबह से ही, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं किचन में चाय बनाती हूँ, हॉल में पीती हूँ, फिर फटाफट अपना सारे शेड्यूल चेक करती हूँ, भागते रहती हूँ। बट ऐसा आज संडे है और कल भी लक्ष्मी आई नहीं थी, तो अभी तक तो उसका टाइम हो कर गया, तो अभी पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। और अगर नहीं भी आई तो आज छुट्टी वाला दिन है, तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं घर ही में हूँ और मैं खा रही हूँ घी से लदा हुआ ब्राउन ब्रेड एंड चाय। और देखो मेरी बेटी आ गई, ये आ गई मेरी बेटी। बेटी नाश्ता कर लिया? मम्मा बेबी, अभी जस्ट मेरी तिलावत खत्म हुई है, मैं तिलावत लगा के इंस्टाग्राम पे वीडियो डालती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह पीती हूँ। तो चाय आज मैंने भूल गई थी सब चीजों में, क्योंकि कल भी मैं वीडियो डालना भूल गई थी, तो अभी पहले वो डाली, फिर मेरी चाय ठंडी हो गई थी, वापस गर्म कर लाई और अभी मैं बैठी हूँ चाय नाश्ता करने। ए मम्मी चलो एक बार मेरी बेटी से भी मिल लो। मम्मा मिला बेबी, मेरी पीनी, मेरी पीनी। तो चलिए फिर, आज तो हूँ मैं घर पे और आज थोड़ा सा मेरा कुछ ज्वेलरी की शॉप पे भी जाना है, कि काफ़ी दिन से मेरी ज्वेलरी वहाँ पड़ी है, तो वो भी लूँगी। और सोच रही हूँ कि कुछ थोड़े से नोज पिन लूँ, क्योंकि अब मेरे वो नोज पिन देख देख के मुझे घंटाल आ गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़े बिग साइज से थोड़े से स्मॉल साइज पे आऊँ, काफ़ी दिन हो गया ना कुछ नया ट्रेंडिंग ज्वेलरी का करी नहीं हो, तो सोच रही हूँ आज हॉलीडे वाला दिन है तो कुछ करूँ। तो ले लीजिए चाय मेरे साथ। चलिए, मैंने अभी आपको कहा था ना कि लक्ष्मी अभी तक आई नहीं है, तो मैं कॉल नहीं करी, तो मैंने कॉल कर लिया, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी उसकी बेटी से बात हुई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बोले मम्मा आज आने वाले थे लेकिन तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो शायद कल आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ऐसे भी संडे है, मैं घर पर ही हूँ। और ये देखिए कितना सारा बर्तन, देखो कितने सारे बर्तन है, चाय वगैरह तो मेरी हो गई है, और माशाल्लाह मैंने कपड़े सुबह ही लगा दिए थे, कपड़े भी मेरे हो चुके हैं। तो चलिए अब मेरे सब काम शुरू कर ली हूँ मैं, अपना काम से फारिग हो जाऊँ, उसके बाद में फिर कुकिंग के बाद फिर मैं अपना खुद का सब, क्योंकि देखो ना मैं रहना छोड़ सकती हूँ, ना मैं अच्छे से अपना काम छोड़ सकती हूँ, और ना तो ज़िंदगी में जो चीज़ पे मैं चलती हूँ उससे कभी कदम पीछे खींच सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी है यार, वो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, चाह कर भी नहीं छोड़ सकती हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़िंदगी मेरी कैसी है पता है? अप टू डेट रहना, वो मेरी ज़िंदगी है। ये सारे चीज़ से फारिग होने के बाद भी मैं तैयार होंगी और कहीं, हाँ मुझे मलाड जाना है ना मेरे ज्वेलर्स के अंदर, तब अच्छी अच्छी रील्स भी बनाऊंगी। तो चलिए फिलहाल तो आज काम वाली बाई वाला काम है ना, तो चलो वो कर लेती हूँ। ये करने के बाद कुछ मैं जो आज स्पेशल कुकिंग करने वाली, तो उसको भी मुझे करना है क्लीन, तो उसके बाद तब जुड़ती हूँ, पहले ज़रा सब क्लीन कर लूँ सब। चलिए माशाल्लाह मेरा किचन जैसे आपको पहले बताई थी, अब थोड़ा देखो थोड़ा क्या पूरा काम कर लिया मैंने, इतने सारे बर्तन धोए, सारे बॉटल्स भर कर रखे घस कर, और आज मैंने बताया ना कि स्पेशल कुकिंग करना है, तो उसके लिए क्रैब पूरे अखे लाए थे मैंने, तो इसको पूरे अभी मैंने क्लीन करी हूँ, क्लीन करके रेडी की हूँ, अब इसका सारा मसाला रेडी करूँगी। उसके पहले ये कपड़े मेरे धुल गए, तो अब जा रही हूँ कपड़े सुखाने, कपड़े सुखा कर फिर थोड़ा मेरा बेड वगैरह क्लीन करके झाड़ू, अमीन ने बोला कि आज मैं झाड़ू मार के देता हूँ, मेरा बिल्डर बेटा झाड़ू और मॉप से पोछा करेगा, वो आज बोलता है मैं मॉप मार के भी देता हूँ आपको, टेंशन मत लो। और एक चीज बताती, थोड़ा सा अमीन भाई पीछे जाओ, ये देखो आज की जिंदगी है, मैंने इनको दी खाना और इनका खाना भी हो गया था खत्म, तो मैंने अभी फोन करके ऑर्डर किया, तो इंशाल्लाह इनका खाना भी अभी आ ही रहा है। तो फिलहाल आज फिलहाल तुम्हारी आंटी दोपहर तक पूरे घर के कामों में बिजी रहने वाले हैं। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ दर्द की मारी, नहीं बोझ की मारी, सायरा सत्तानी बिचारी दिया है, एंड हम यूनिसेफ से आए थे, आपने यूनिसेफ के बारे में तो सुना ही होगा जी, जी, जी। So, कभी इनके कोई कैंपेन में आपने पार्टिसिपेट किया हो पहले? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं की, और मोस्टली मैं घर पर नहीं रहती हूँ, आज लकीली आपको मिल गई मैं घर पर। सो यूनिसेफ ने बहुत स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया है मदर्स डे पे, विच वॉज ऑन 8th ऑफ मे, आई टेल यू अबाउट इट।
आप लोगों को प्रीमेच्योर की जब बात आई है तो इंशाल्लाह मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हुई है तो मैं अब वो चीज पे भी ब्लॉग बनाऊंगी जी। बेबीज जिनका जन्म 6-7 महीने में हो जाता है जी जी, सैडली उनकी शरीर में इतनी कम इम्यूनिटी होती है कि वो अपने पहले 28 दिन के बच्चे जी। मैं आपको थोड़ा सा मेरे ब्लॉग में ले रही हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मेरे व्यूअर्स को या मेरे जो फैमिली में उनको बोलती हूँ तो उन तक पहुँचे, तो थोड़ा सा आप लाउडली बोलिए जी जी। तो एज आई वाज सेइंग मुंबई में हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज है, अच्छे डॉक्टर्स है जी, बट गाँव के एरिया में उनके पास एक सौदा केमिस्ट भी नहीं होता। वेरी गुड, इसीलिए 1600 बच्चे हर दिन मरते हैं और हमें पता। So, क्या आपको खुशी होगी इन बच्चों को बचा के? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे आपने कहा कि मेरे ब्लॉग और वीडियोस देखते हो जी जी, तो आप देखते ही हो कि मैं आए दिन ये सब चीजें करते ही रहती हूं जहां से मौका मिलता है तो जी जी। हम अभी वुडंट वांट टू मिस आउट ऑन यू। सो एज आई वाज सेइंग यूनिसेफ इन बच्चों के लिए एसएनसीयूज बना रहा है, स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट। जैसे हमारे आईसीयूज होते हैं वैसे इन बच्चों के एसएनसीयूज होते हैं। मैं एक बात बोलती हूँ आपको, अभी हमारी शायद डिस्कस बहुत ज्यादा लंबी होगी बट मैं ब्लॉग के जरिए ये खास मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर फ्यूचर में मेरे से कोई भी आपको हेल्प चाहिए या मुझसे कोई भी काम ऐसा लगे कि मेरे वजह से आपका वो कोई चीज होती है तो इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं 100% दूंगी। आप कभी भी, मैं आपको अपना नंबर भी दूंगी पर्सनली, कभी भी कुछ भी ऐसा लगे कि मुझे मेरी जरूरत है आप मुझे कॉल कीजिए, इंशाल्लाह वो हो सकता है मैं उतना करूंगी जरूर। और इसके बाद मैं ब्लॉग एंड करूंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी इनके साथ काफी चीजें मुझे समझनी है और उसके बाद में अगर मुझे ऐसा कुछ लगे तो मैं पर्सनल भी आपको इनके साथ की जो भी बातें वो बताऊंगी। ओके, चलिए माशाल्लाह कपड़े भी सुखा दिए, बेड भी क्लीन कर दिए, और मेरी बेटी लोग को तो देखो कितना ऐश है इनकी, और जो स्त्री के कपड़े वो निकाल दिए, और जो मेरी आए दिन साड़ियां तो देखते ही हो आप, तो ये साड़ियां सारी जाती है मेरी रोल प्रेस के लिए। और अब मैं पी रही हूँ मोगो, बहुत थक गई हूँ सच में, मैं बहुत थक गई हूँ अभी। देखो मेरी दोनों बेटियां कर रही है आराम, इन्हीं के लिए तो बिस्तर साफ हुआ है, इधर दो बेटे खड़े हैं और इधर दो बेटियां सोई है, तो और बेचारी माँ काम की मारी तो वो थक कर मोगो पी रही है। ये मेरा मोगो। अब इसके बाद मस्त जाऊंगी नहा धो के फ्रेश होके, पहले तो बनाऊंगी खाना उसके बाद फिर थोड़ा सा मेरा गोल्ड का जो बाकी है वो करने जाऊंगी। तो आप पियोगे मोगो? लीजिए, पी लीजिए। चलिए मैं अब जा रही थी नहाने तो मुझे लगी है भूख, और मैंने कल बनाए थे स्पेशल अलग टाइप की पानी पूरी, तो रात को मैं इतनी खाई नहीं थी पानी पूरी, तो अब मेरा दिल भी चाह रहा था खट्टा खट्टा पानी पूरी खाने। और अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी है तो आप मेरे किचन सायरा सत्तानी किचन चैनल पे जाइए तो आपको इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मिल जाएगी, मैं आज अपलोड करने वाली हूँ। और जैसे डेली व्लॉग वाला जो व्लॉग रहता है तो मैं हमेशा लाइव रहती हूँ, तो ये देखिए अभी बस थोड़ा सा वक्त बाकी है, अब लाइव स्टार्ट होने वाला है, तो मैं पानी पूरी खा रही हूँ, तो आप खाओगे मेरे साथ पानी पूरी? और बहुत अच्छी पानी पूरी बनाई थी मैंने, मुझे ऐसा बड़ा मुंह करके ऐसे मुंह में डाल लिया, अच्छा नहीं लग रहा, चरम लग रही थी, तो मैंने बोला वो खा लूं अंदर वो खा लिया, अब दूसरी बनाने की तैयारी। और मेरे बेटे का ओट्स हो रहा है ठंडा, मेरा बेटा आज दोपहर हो गई है अभी ओट्स खा रहा है, क्योंकि आपको पता है मेरा व्लॉग जब कितने बजे आता है तो आफ्टरनून ही होता है, और आज उसको एडिटिंग बहुत सारी करनी थी और आज उसकी जिम की छुट्टी है तो भी वो अपना ओट्स ही खा रहा। ओह माशाल्लाह मेरा लाइव शुरू हो गया है, अब मेरा व्लॉग आएगा, तो चलिए फिर व्लॉग शेयर करते हैं। और फिर से कहना चाहूँगी जितने भी लोग मुझे आजकल व्यूज कम है पर मैं बहुत हैप्पी हूँ, और मैं बस ज़िंदगी में खुश रहना जानती हूँ, खुश रहती हूँ। और कल मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी तो बहुत अच्छा लगा, और मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि बोली मैंने लेंस लगाई थी तो मैं काफ़ी आंसर्स दे नहीं पा रही, तो इंशाल्लाह एक दो दिन में फिर लाइव आऊँगी। चलिए जल्दी जल्दी मैं पानी पूरी खाती हूँ और लाइव शेयर करती हूँ। चलिए सायरा सत्तानी आपकी फेमस सेलिब्रिटी सायरा सत्तानी आज बनी घर की बाई लास्ट काम था मेरा ये, अब झाड़ू और पोछा। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया कि लाइफ खत्म हुई, उसके बाद ये मैंने बोला कि घर एकदम क्लीन, ये लास्ट था, ये कर लूं और फिर मैं जाऊंगी थोड़ा सा कुकिंग करने। और ये सब करते करते बहुत ज्यादा मैं हो गई हूँ थक कर चूर, इतना मतलब बाहर का भी काम करती हूँ पर रोज घर के काम में थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है मेरा। आज तो दो दिन हो गया, सेकेंड डे पूरा ए से जेड तक पूरा मुझे ही करना पड़ रहा। हाँ ये अलग बात है
कि बीच बीच में अमीन हो या अली थोड़ा हेल्प करते, पर अली अपने जो बिजनेस की जो चल रहा है उसका पता नहीं, वो बात किसी से कुछ करने गया है, और अमीन आज जिम नहीं गया है लेकिन काम में हेल्प नहीं कर रहा, वो एडिटिंग ही उसको बहुत टाइम लग रहा था बिकॉज एडिटिंग जो कर रहा था वो ये वो मैं, हाँ यार मैंने ये देखा कि आज भी जो लाइफ में अभी भी यार इतने कम लोगों में भी हेटर्स आते हैं, आई एम वेरी हैप्पी, मतलब अभी भी है कहीं ना कहीं छाप है, थोड़ा सा बाकी है, अब थोड़ा और बाकी, थोड़ा और इग्नोर करो उसको, थोड़ा और इग्नोर करो। चलिए आई एम बैक। देखो क्या खा रही हूँ, साहिल खान का है ये, साहिल खान इसको ऐड करता है, और साहिल खान को कौन नहीं जानता है ना, खाओगे, बहुत टेस्टी रहता पीनट बटर ये वाला, और ये साहिल खान की प्रोडक्ट है और साहिल खान ने इसको लॉन्च किए थे ना। यस। तो जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि काम करने के टाइम के अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, तो देखो काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि हम कोई काम करते तो उसको मतलब के लिए करते हैं या फिर अर्निंग के लिए करते हैं या फिर पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए तो इंसान हर वक्त करता है, पर कुछ ऐसी चीज होती है जो उसके दिल की खुशी वाली बात होती है, और जैसे कि इन दिनों मेरे कंट्रोवर्सी से आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी चीजें अप डाउन चली रही है, उस बीच में आपने ये देखा होगा कि मैंने कभी भी जैसे मैं रहना पसंद करती हूँ, जैसे मैं जिंदगी जीना पसंद करती हूँ, मैंने उसको कभी नहीं छोड़ा, बिकॉज उसी से हमको किक मिलती है और जीने की राह भी मिलती है और खुशियाँ भी मिलती है। और जब अगर आपके बच्चे, जैसे आइए चलिए मैं आपको दूसरी भी एक चीज बताती हूँ जो मुझे बहुत खुशी देती है, ए मिली पीनी पीनी ढूंढ रही है आपको, मेरी जान है वो, और ये एक जैसे कि मुझे मेरे बच्चों के लिए खाना बनाना, जो भी मेरी जिंदगी में थे या भी चले गए या गुजर गए, जैसे मेरी अम्मी भी थे, मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाते थे, बट हमने उनको देख देख के ही सीखा है ये सब चीजें, स्पेशली हमको कोई चीज किसी ने सिखाई नहीं है, तो लेकिन एक पैशन होता है ना जिससे आपको खुशियां मिलती है, तो ये मेरी खुशियां वाली चीजें हैं। ठीक है ना, जिंदगी में इंसान के गम आता है और चला भी जाता है, कुछ थोड़ा सा टाइम लेता है, कुछ थोड़े से जख्म देकर जाता है, कुछ थोड़े से खुशियां देकर जाता है, पर वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त आगे चला जाता है, और वो ही इंसान जीत हासिल करता है जो वक्त के साथ चलना सीखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने वो क्वालिटी मेरे अंदर दी है, और आज मैंने थोड़ा सा अलग टाइप के काजल लगाई हूँ, जैसे कि काफी लोग मुझे पसंद करते हैं काजल के साथ, और सबको पता है जो भी मैं कोलैबोरेशन करती हूँ स्पेशली मेकअप का, तो वो लोगों को पता है कि मैं लिपस्टिक एंड काजल सबसे बेस्ट मेरी चीजें है वो, तो ज्यादा करके मुझे लोग जब पूछते कि क्या भेजे मैम आपके लिए, तो मेरी ये दो ही चीजों की डिमांड होती है, बट आज मैंने देखो ग्रीन कलर का काजल लगा, बट काजल है। तो चलिए फिर मैं अभी अपने दूसरे चैनल्स के लिए ये सारी चीजें शूट भी करूंगी, और स्पेशली आज मेरे बच्चों के लिए मैं ये बना रही हूँ, और बच्चों के साथ साथ मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है ये क्रैप, तो फिर क्या कहते हो आते हो ना दूसरे चैनल पे, तो चलिए फिर मैं रेडी करती हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मेरे वो चैनल्स पे मिलने ही वाला है। और आज जैसे कि आप ये जब लाइव देखोगे, सॉरी आप जब मेरा ये ब्लॉग देखोगे, तो उस वक्त मेरा ये पानी पूरी वाला जो रेसिपी है वो आपको मेरे चैनल्स पे अपलोड हो चुका है, तो आप वो जब देखोगे तो इंशाल्लाह आपको वो बहुत मजा आएगा, बिकॉज जो सीजन वाइज है और एकदम जो हमको ताजगी और फ्रेशनेस देती है चीजें, हमको हमेशा वो चीजों को खाना भी चाहिए और हमेशा उस चीज के अंदर इन्वॉल्व भी रहना चाहिए, तो मैंने उसी को लेके कुछ चीजें मैं बहुत सालों से करती हूँ, ना कि कोई नया काम करी हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप इंशाल्लाह वो पानी पूरी की जो रेसिपी है बहुत छोटी सी है बट बहुत अच्छी है, तो आप देखना जरूर, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटी सी रेसिपी है जब, लेकिन आप बनाओगे तो आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियां और हैप्पीनेस होगी उसके साथ में, तो इंशाल्लाह चलिए फिर मैं अपने ये वाले काम में शुरू हो जाऊं, और काम से कभी मत भागना, कितनी भी टेंशन हो जिंदगी में काम से कभी मत भागना, काम आपका नाम भी देगा और आपको जिंदगी में सुकून भी देगा, और दुनिया में सबसे ज्यादा आपकी पहचान दिखाता है पैसा, पैसा भी देगा, क्योंकि मैं देखो जो बोलती हूँ एकदम सीधा साधा बात करती हूँ, और हाँ ये काम के सिलसिले में जब बाहर निकलती हूँ ना, तो जब मेरा आड़े पड़ता है ना, तो ठोकती भी बराबर से, ठीक है।
चलिए, मैं अभी हुई फ्री, मुझे जाना था मलार ज्वेलर्स के पास, तो मैंने फोन किया तो वो है नहीं, ज्वेलर्स गया है बाहर, मेरा जो अंकित है, तो अब वो जब आएगा तभी मैं जाऊंगी, क्योंकि उसी को पता रहता है मेरी ज्वेलरी एंड समथिंग मेरी डिजाइन, और मुझे कुछ अगर पसंद करना है या कुछ बनाना है तो मैं उसी को बताती हूँ, बिकॉज वो बहुत अच्छे से समझता है मेरी बातें और मुझे जो पसंद है, और फिर उसकी जो डिजाइन पसंद के जो मुझे बताता है, तो वो सारे मिक्स करके हम दोनों की मतलब बहुत ज्यादा बॉन्डिंग जमती है। हालांकि उनके जो डैडी है वो बड़े हैं और वो उनसे ही मेरी मम्मी मतलब ज्वेलरी लेते थे, तो उनसे पहचान है, पर मेरी ज्यादा जमती है अंकित के साथ, क्योंकि उसकी सोच और मेरी सोच बहुत ज्यादा हद तक मिलती है। तो फिलहाल वो जब आएगा तब मैं जाऊंगी। अब मेरा दिल है कि मैं थोड़ा सा बाइक चलाऊं, तो मैंने अमीन को बोला, तो अमीन गया है नीचे, अमीन ने मुझे बोला रुको मैं देख लेता हूँ, क्योंकि वो डाटी खाया, उसकी बाइक हमेशा खड़ी रहती है, वो अपनी बाइक को इतना ध्यान ही नहीं देता, तो बोला रुको रुको मैं पहले देख लेता हूँ, उसके बाद आपको फोन करता हूँ। तो अभी उसका जस्ट फोन आया कि मम्मी उतरो नीचे, तो अब मैं जा रही हूँ बाइक चलाने, और थोड़ा सा मेरा माइंड होगा फ्रेश, और इंशाल्लाह क्रैब मैंने खाई, बहुत मजा आया, इतने सारे क्रैब्स खाए मैंने, और क्रैब बना के जब थक गई थी, शाम भी हो गई थी, तो उसी वक्त फिर जब पूरे सब मुंह भी खराब हो गया था, तभी मैंने फिर मुंह हाथ धो के अगरबत्ती वगैरह करा के करके थोड़ा सा दरूद शरीफ वगैरह पढ़ ली थी, फिर से अभी थोड़ी सी तैयार हुई, तो चलो मैं जा रही हूँ थोड़ी सी बाइक राइडिंग करने, से क्या होगा थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, और ऐसे भी थोड़ा सा नर्वस लग रहा है तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, और क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है ना। अस्सलाम वालेकुम, कभी भी घर में आओ तो सलाम जरूर करना चाहिए, पता नहीं घर में कौन रहे, हमारा इंतजार कर रहे हो, या फिर पता नहीं किसी की सवारी जा रही हो। तो मस्त मैंने तो बाइक चलाई, क्योंकि और बहुत बहुत जगह पे घूमकर आई हूँ मैं, रील्स तो बनाई, इंशाल्लाह आपको देखती हूँ, अगर अमीन भाई का काम है, मेरा तो नहीं है, अगर अमीन भाई चाहे तो यहाँ पे आपको डाल सकते हैं, तो आप डाल देना प्लीज। yes. चाबी लू, गाड़ी की भी ले लेती हूँ, बाइक की भी लेती हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, तो मैं क्या करूँ, मैं जा रही हूँ चीज डोसा खाने, रेडी वाला, ये क्या बोलते हैं वो पंजाबी लोग में जो रोड पे खाते हैं, वो पंजाबी वर्ड सीख के सुबह रेडियो 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 समथिंग कुछ ऐसे ही रहता है, मतलब खुद पार्ट वाला मुंबई वाली भाषा है ना, और ऐसे हम लोग थोड़ा स्टाइल में स्ट्रीट फूड। तो मुझे खाना है डोसा चीज वाला, जो ये लोग है ना, जब इनके बर्थडे रहते हैं ना इनके पूरे ग्रुप में, तो इन लोगों का फिक्स रहता है, जब इनकी बर्थडे रहेगी तो बर्थडे रहेगा, सारे केक की सत्यानाशी ऐसी की तैसी करते हैं, उसके बाद जाते हैं सब डोसा वोसा जो भी खाना है, तो अब जिसका बर्थडे रहता उसी को उसका उसी का बकरा बनाते हैं। तो आज किसी का बर्थडे नहीं है, लेकिन बकरा मैं बनने वाली हूँ। तो मैं जा रही हूँ चीज डोसा खाने, अब ये पक्का नहीं है क्या संडे है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट मुझे खाना चीज डोसा। तो मैंने अमीन को बोला था, मतलब मेरी आज फिर से जिम की आगे पीछे होने वाला है सुबह, मतलब इसने कुछ और बोला था मैं वो नहीं बता सकती। देखा आपने, इतनी रात को भी मुंबई कभी सोती नहीं है, और मैं कौन सी दुनिया में जी रही थी पता ही नहीं है मुझे, मैं शायद अपनी दुनिया में सो रही थी, लेकिन अब मेरे बेटे की दुनिया में आ रही तो पता चलता है कि मुंबई कभी सोती और नहीं। ये देखो मैंने क्या किया, पानी भी दे, बच्चा है मेरा बच्चा। और हमने यहाँ जब आए तो बहुत क्राउड था, और हम लोग आज पता है आपको कैसे, मैं मेरी लाइफ में आज मेरे साथ जो हुआ है ना, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि आज मैं आई हूँ ट्रिपला, ये वो भी किस पे पता है, ये बार मेरी एक्टिवा पे ट्रिपला है, मेरे बेटों के पास अलग अलग बाइक है, और ये मैंने गाड़ी की चाबी भी लेकर निकली थी, पर हम लोग आज आए ट्रिपला, और आप यकीन कीजिए कि ये लाइफ में सच्ची में बहुत खुशियाँ हैं, और ज़िंदगी में पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया कि ट्रिपला कैसे होता है। मैं हमेशा इनको गालियाँ देती थी कि कुछ होगा प्रॉब्लम तो क्या करोगे, लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे ट्रिपला आने में। ओपन चीज डोसा, मुझे चीज डोसा खाना था, लेकिन ये ओपन चीज डोसा, और इतने बच्चे हैं, इवन गर्ल्स एंड बॉयज, पीछे दिखाओ पीछे, कितने लोग हैं अभी भी पीछे, पूरे गर्ल्स एंड बॉय, आज की दुनिया में गर्ल्स और बॉय में कोई फर्क नहीं है, और जो ऐसी छोटी सोच रखते हैं उनका ये दुनिया में काम ही नहीं है। तो चलिए मैं खाऊं डोसा, खा रहे हो? नहीं अली आ जा यार,
चलिए आ गए हम लोग हमारी सोसाइटी में, और ये मेरी सोसाइटी सारी दुनिया को पता है मेरी सोसाइटी यही है। और हमारी सोसाइटी में एक बात बोलो आपको, हर फेस्टिवल गणपति हो या गरबा हो, आपने मेरे ऐसे देखा होगा अगर फेसबुक पे देखिए, जो मेरे ऐसे बिंदी लगाई हुई जो भी आपको पिक्चर्स दिखेगी, तो मैं स्पेशली यहाँ पर गरबा खेलने के लिए तैयार होती थी वो। और ये आप देख रहे हो गौतम बुद्ध का जो फोटो और स्टैचू वगैरह देख रहे हो, तो आपको पता है कि कल इनका जन्मदिन है, तो आज सारी तैयारी कर रखे 12 बजे के बाद, तो वैसे भी उनका जन्मदिन लग ही जाता है। तो चलिए जितने भी लोग मुझे देखते हैं तो आप सबको साथ में ये बातें भी शेयर करती हूँ कि कल उनका जन्मदिन है, तो जितने भी गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं तो आप सबको उनका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि मेरा बेटा बहुत किड़किड़ कर रहा है, उसको सुबह जिम जाना है। गुड मॉर्निंग, ये इनकी रोज की है गुड मॉर्निंग, ये देखो अब इनकी हुई नहीं है, इनकी हो गई और इन्होंने मेरी भी गुड मॉर्निंग कर दी है। तो चलिए आज हम तीनों के साथ आपके आप लोगों के साथ भी गुड मॉर्निंग करते हैं, उड़ गए, इनकी भी गुड मॉर्निंग हो गई। चलिए जैसे मैंने आपको गुड मॉर्निंग की थी उसी तरीके से आ गई हो किचन में, और जैसे कि आप देख सकते हो ये देखिए इनका खाना भी निकल गया है और मेरी चाय भी रख दी हूँ। और ये आज मैंने निकाली हूँ आबे जमजम का पानी, थोड़ा सा दिल बेचैन हो रहा था, ये है मेरे आबे जमजम का पानी। और चाय मेरी रख चुकी हूँ और माशाल्लाह मेरे बच्चों का खाना भी निकाल चुकी हूँ, ये रहा मेरे बच्चों का खाना। ये मेरी सुरोज की सुबह है तो इंशाल्लाह अभी तो सुबह हो चुकी है, फिर इत्मीनान से चाय वगैरह लेके तिलावत खत्म होने के बाद आपसे थोड़ी सी बातें भी करूंगी। चलिए माशाल्लाह बताइए आपको, जैसे सुबह आज तो कैसे आपको मॉर्निंग बेड से ही मैंने आपको थोड़ा सा क्लिक दी हूँ, क्योंकि मेरे रोज का यही रहता है, मेरे बच्चे दोनों आते हैं, अमीन चला जाता है जिम को और अली भी सुबह चला ही जाता है। जब मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ नमाज के लिए तभी अली का सारा तैयारी करके अली चला जाता है, और अमीन जब जाता है तब मैं शायद सो गई रहती हूँ, तब मैं नहीं उठ पाती। 8:30 बजे अमीन अपना जिम जाता है तब मैं सोई रहती हूँ। हाँ ये उसके बाद में 9 बजे के आसपास है ना, ये दोनों पिल्लू है ना चालू कर देते मुझे खोदने का, तो कभी जल्दी करते तो उठ जाते, ज्यादा भूख लगी तो जल्दी भी उठाते हैं मुझे। और कैसे पता है, आज तो मैंने आपको दिखाया वो लोग मेरे बाजू में सोए थे, आएंगे और यहाँ पे ऐसे करेंगे तो मेरी आंख खुल जाती है, फिर या तो फिर ऐसे बोसा जैसे देते ना चुम्मी, इस तरीके से आके टच करते। तो माशाल्लाह बस ये कहते हैं ना कि देखो अल्लाह ने इंसान को जबान दी पर उस पर कंट्रोल नहीं दिया, और जानवर को जबान नहीं दी लेकिन उसके अंदर मोहब्बत बहुत दी है। तो बस यही बातें, और इंशाल्लाह कल मैंने सारी चीजें एक्टिव, जो बाइक चलाई, कुकिंग की, और उसके बाद कल बहुत टाइम के बाद में रात को थोड़ा सा बाहर खाने का मेरा मन हुआ, तो बेटे के साथ, दोनों बेटों के साथ गई। और सबसे जिंदगी में जो पहली बार काम कर रही हूँ वो टिपला राइट ली इन लोगों के और साथ, इतना झाड़ू वाड़ू सब आपने किए, नहीं आ रही तो माशाल्लाह। कल संडे का दिन और छुट्टी वाला दिन था पर अच्छा है, बहुत सारा काम घर में हुआ। और जब देखो कोई भी हो लेडीज, आप सब जानते हो क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली लेडीज जो घर की हो या जॉब वाली हो मुझे मेरा वीडियोस देखना बहुत पसंद करते हैं। आपको पता है कि अगर आप जॉब वाले हो तो आप जब छुट्टी का दिन होता है तो आप घर में अपने कबर्ड्स को साफ करोगे या एक्स्ट्रा किचन साफ करोगे, अच्छा लगता है ना जब खुद काम करते तो हम लोग एक्स्ट्रा सफाई करते हैं घर में। तो उसी तरीके से मेरा कल का दिन बीता है, परसों तो ऐसा मुझे लगा था कि लक्ष्मी कल आ जाएगी तो मैंने परसों पूरा ऐसा घर साफ करी थी, लेकिन कल फिर एक्स्ट्रा काम करी हूँ इंशाल्लाह। अभी ये सब चीजों के साथ ही आपके सामने आऊंगी, बस यही बात है कि आपको अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जिंदगी, लोगों ने ऐसा लगा कि मेरे को व्यूज आना छोड़े तो मैं जीना छोड़ दूंगी, मैं दूसरी कोई चीजों को लेके आपके सामने कॉन्ट्रोवर्सी करूंगी, सॉरी जीना इंसान कभी नहीं छोड़ सकता, अपनी जिंदगी जिस तरीके से जीता वो उसी तरीके से जीता है। ये है कि ठीक है उसको एक्स्ट्रा कोई चीज मिलती है ना तो वो कोशिश करता है कि उसमें और अच्छे से इफेक्ट डाले। अब अगर कंट्रोवर्सी लेके अगर ये चीजों में इफेक्ट डालना है तो आई एम वेरी सॉरी, मैं वो चीज नहीं कर सकती हूँ। ये चीज है कि मैं जो जीना जीती हूँ वो चीज लेके आपके सामने आ सकती हूँ। अगर आप मुझे प्यार करते हो और आप मुझे देखना चाहते हो हमेशा तो लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी बातों के साथ मेरी सुबह की गुड मॉर्निंग आपके साथ, और आपके साथ शायद अब जब ये ब्लॉग आएगा तो तब होगा आफ्टरनून, तो आपको आफ्टरनून मेरी गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफिज़।